नमस्कार। तो देखिए, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्टें निकाली गई हैं। ये देखो, पोस्टें कहाँ पर निकाली गई हैं, ये हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में पोस्टें जो हैं वो निकाली गई हैं। और हिमाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी में ये पोस्टें निकाली गई हैं। देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है, सारा कंप्लीट में इसका देखिएगा आपकी कितना सिलेबस इन्होंने डिज़ाइन किया है, आप देख के हैरान हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं 7, इनमें से 4 पोस्टें जो हैं वो अनरिजर्व की हैं, एक शेड्यूल कास्ट की है, एक ओबीसी की है, एक अनरिजर्व एक्सेसमैन की। तो ये तो होगी इनकी पोस्टें। और उसके बाद पे बैंड की बात करें तो वही है, 1950 ग्रेड पे है, वो सब यहाँ पर आपको मिल जाएगा देखने को। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें पहले तो उन्होंने रखा है कि पोजेसिंग डिग्री ऑफ बीटेक होनी चाहिए, एमसीए, बीएससी, पीजीडीसीए, कुछ भी इनमें से है तो वो चलेगा। और फिर दूसरा इन्होंने रखा है 10th+2 और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन प्लस बीसीए हो गया, आईटीआई या डिप्लोमा वगैरह किसी ने किया है, और यहाँ पर देख लीजिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज वगैरह यहाँ पर इन्होंने सब दिया है कि ये सब किया है। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन तो वही है कि हिमाचल का कस्टम, डायलैक्ट, इन सभी के बारे में नॉलेज होने चाहिए। ऑब्वियसली हिमाचल जो है तो नॉलेज आपको होगी। तो 28 फरवरी 2022 से पहले पहले ये आपको फिल करना है फॉर्म। और ये साइट यहाँ पर लिंक यहाँ पर दिया है इन्होंने, ये जितनी भी पीडीएफ्स हैं सारी ये मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम पर आपको ये मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर इस लिंक को कॉपी करके आप ओपन कर सकते हैं, तो आप इजीली इससे अप्लाई कर सकते हैं। फीस देख लीजिए, 340 रुपये फीस है प्लस GST एज पर एप्लीकेशन है, और 190 रुपये फीस है जो रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए, और GST अलग से है, वो तो आपको पता है। और एज वही है 18 से लेकर 45 के बीच में। तो ये तो हो गया इसके बारे में। अब सिलेबस देखिएगा आप, किसका सिलेबस कितना ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पर देखिए इसका सिलेबस क्या है, सिलेबस भी पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट क्या होगा, पहले पार्ट में होगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी का, कि इसमें पहले तो आएंगे 50 नंबर के क्वेश्चंस और 30 नंबर के अलग से होंगे। ये जो 50 नंबर के क्वेश्चन होंगे इनमें इंटरनेशनल, नेशनल और हिमाचल जीके होगी। इंटरनेशनल जीके होगी 15 नंबर की, नेशनल जीके होगी 15 नंबर की, हिमाचल जीके होगी 20 नंबर की। तो ये हो गया 50 नंबर यहाँ पर। और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आएगी 30 नंबर की और रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, तो 50 नंबर ही अलग से हो गया, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पर दिया भी है यहाँ पर कि रिलेटिंग टू जियोग्राफी, कल्चर, स्पोर्ट्स, जनरल साइंस, हिस्ट्री और टूरिज्म के बारे में, ये सब दिया है इन्होंने कि हिमाचल की जुडिशरी, इंडिया जुडिशरी, इन सभी के बारे में नॉलेज होने चाहिए, वही सब पेपर में पूछा जाएगा। एक पोस्ट के लिए ये कितने लोग लेंगे, 6 लोग जो हैं वो लेंगे, 1:6 की रेशो ये रखेंगे। और उसके बाद अगर आप आगे देखेंगे चलकर कि क्या है, तो ऐसे इन्होंने रखा है कि एक ऐसे होगा 300 वर्ड का, ये होगा इंग्लिश में, एक ऐसे होगा 300 वर्ड का, ये होगा हिंदी में। ट्रांसलेशन होगी इंग्लिश से लेकर हिंदी में करनी है पैराग्राफ की ट्रांसलेशन, ये होगी 10 नंबर की। ट्रांसलेशन आपको आगे करनी है हिंदी से इंग्लिश में, ये भी 10 नंबर की होगी। फिर कंप्यूटर आएगा इसमें 30 नंबर का, हाई कोर्ट में भी तो ये सब आता है, तो बस वही सब यहाँ पर दिया गया है। अब इन्होंने यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये एक वैकेंसी के लिए यहाँ पर 5 बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद पार्ट बी में एक और पैरा बी रखा है जिसमें क्या होगा, जिसमें टाइपिंग टेस्ट होगा। तो टाइपिंग टेस्ट इन्होंने रखा है कि क्वालिफाइंग नेचर होगा, वही 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में, और वही सब जो 10% मिस्टेक्स हैं वही सब जो होता है, जैसे हिसाब से आप निकाल सकते हैं उस स्पीड को, वो आपको पता है। और उसके बाद टाइपिंग टेस्ट का टाइम भी वही है, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होगा, उसमें ही आपको करना है। और उसके बाद इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू देखिएगा कि 10 नंबर का पहले एक इंटरव्यू होगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो ये 4 नंबर का होगा। और एक्सपीरियंस होगा तो 3 नंबर आपको लग जाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा, ये 3 नंबर आपको लग जाएंगे यहाँ पर, तो ये होगा टोटल 10 नंबर का। उसके बाद कहते हैं कि फाइनल मेरिट लिस्ट जो ड्रॉ की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के ऊपर जो है वो ड्रॉ की जाएगी। और उसके बाद देखिएगा कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के भी नंबर इन्होंने रखे हैं, कैसे रखे हैं। अगर आईटीआई से कंप्यूटर डिप्लोमा किया है तो 1 नंबर, बैचलर डिग्री अगर कंप्यूटर में है, पीजीडीसीए है तो 2 नंबर, मास्टर डिग्री कोई भी है तो मास्टर डिग्री एंड अबव तो कोई भी है तो 3 नंबर, तीनों लग जाएंगे, ठीक है। तो एक ये हो गया। और उसके बाद अवॉर्डिंग एक्सपीरियंस के मार्क्स इन्होंने रखे हैं कि 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आधा नंबर, 2 साल का है तो 1 नंबर, 3 का तो 1.5, 4 का है तो 2 नंबर, उसका 2.5 और 3 नंबर, 6 सालों तक एक्सपीरियंस का इन्होंने रखा है। तो ये पेपर इन्होंने डिज़ाइन किया है, सिलेबस इन्होंने डिज़ाइन किया है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के लिए। तो देख लीजिएगा कि आने वाले टाइम में ना इस तरह के पेपर कंडक्ट करवाए जाएंगे, ऑब्वियसली करवाए जाएंगे, जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। तो हर एक इनको चाहिए क्रीम, जो कि जिसको हर चीज़ के बारे में नॉलेज हो, लिखने में स्किल हो, बोलने में स्किल हो, ट्रांसलेशन में स्किल हो, टाइपिंग में स्किल हो, ओवरऑल ऑल अराउंड बच्चे इनको चाहिए, ठीक
दैट डजेंट मैटर कि इनका ग्रेड पे कितना है क्या है, एलाइड केवरेबल प्रोसेस जो है एक हिसाब से ये हो गई। हो सकता है कि पेपर थोड़ा सा आसान आता हो, परंतु प्रोसेस तो उसी तरह से होगी, पढ़ना तो बच्चों को उतना ही पड़ेगा। एलाइड में भी तो इसी तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं, थोड़ा सा कम सिलेबस होगा यहाँ पर, तो इसीलिए इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। साइट मैंने बता दी कि कहाँ से आप भरेंगे, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए इस तरह से @allexam31 सर्च कीजिएगा अपने टेलीग्राम से इस तरह से, और आपको हमारा टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पर आप इजीली हमें ज्वाइन कर सकते हैं, 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, तो इजीली आपको मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।